सामने जो है ये अल सलाम म्यूज़ियम बन रहा है नया। तो भाई मस्जिद है अमामा हम पहुंच गए हैं। हम 316 नंबर के एंट्रेंस है मस्जिद की। मस्जिद में आप एंटर होते ही जैसे एंटर होंगे तो ये अच्छा, तो यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ पढ़ाई थी और बारिश की नमाज़ पढ़ाई थी। अच्छा ये गेट नंबर 310 है, तो यहाँ से आप आएंगे सीधा जाएंगे मस्जिद गमामा। हाँ तो भाई अभी हम जाते हैं मस्जिद गमामा, मस्जिद ईदैन इन्हें कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ईद की नमाज़ इस तरह पढ़ी जाती थी। तो जाते हैं और आपको बताते हैं फिर क्या हिसाब किताब है। अभी हम करंटली हैं मस्जिद नबी में। सामने जो है ये अल सलाम म्यूज़ियम बन रहा है नया, तो इसमें मेरे ख्याल से सारी की सारी हिस्ट्री वगैरह की चीज़ें होंगी, तो अच्छी बात, अच्छी चीज़ है कि हम मस्जिद नबी इस तरफ है देखें। और ये अभी इशा की नमाज़ ख़त्म हुई है तो हम निकल रहे हैं, बड़े धक्कम पेल से बच बच के निकल रहे हैं। 316 नंबर गेट से निकलेंगे माशाल्लाह। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इस मस्जिद में आने का जो आसान रास्ता है वो है वहाँ गेट नंबर, मैं अभी देख के बताता हूँ। मैं थोड़ा सा दाएं बाएं हो गया हूँ। हाँ तो भाई मस्जिद है अमामा हम पहुँच गए हैं। हम 316 नंबर, और ये भी मेरे ख़्याल से शाम की वजह से बंद हो गई है। ये तो अभी अंदर जा के हम देखते हैं और बताते हैं। अच्छा ये खाने की दुकान है, खाने पीने की दुकान है, यहीं पे भी है। मेरे ख्याल से बंद कर दिया है, नहीं खुला हुआ है, खुला हुआ है। चले आए अंदर जाते हैं। माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटी ये देखें जी, ये मस्जिद के एंट्रेंस है मस्जिद की। मस्जिद में आप एंटर होते ही जैसे एंटर होंगे तो ये हम पहुंच गए। ये राइट हैंड पे लेडीज़ की जगह है और ये मस्जिद है। ये देखें ये मेरे ख़्याल से काफ़ी पुराने पत्थर लगे हुए हैं और बड़ी अच्छी फील आती है इन पर पैर रख के, पता नहीं क्यों। ये देखें बस ये मस्जिद नबी का जो है ना पुल मैन जमजम की साइड से जब आप आते हैं तो लेफ़्ट साइड पे जो कोना है उस साइड से जो आखिरी गेट है उससे आप निकलेंगे तो डायरेक्ट ये माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की मस्जिद मुसल्ला अलहमा। इधर इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है थोड़ी सी, हम देख लेते हैं। इन द लास्ट, इट इज़ द लास्ट प्लेस इन विच द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मे अल्लाह प्रेयर्स बी अपॉन हिम प्रेड द टू ईद्स एंड प्रेयर्स फॉर रेन एंड द राशिदीन राशिदुन खलीफा ओटोमन बिन अफान मे अल्लाह बी प्लीज विद हिम प्रेयर्स ड्यूरिंग हिज सक्सेशन द मोस्ट ऑनर्स ऑल सीनियर सराउंड। अच्छा तो यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ पढ़ाई थी और बारिश की नमाज़ पढ़ाई थी। तो ये ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह से मस्जिद जो है हिस्टोरिकली एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ना रिकॉर्ड रखती है। अच्छा ये गेट नंबर 310 है, डोर नंबर 310। तो यहाँ से आप आएँगे निकलेंगे वो देखें रोज़े रसूल, तो यहाँ से आप आएँगे सीधा जाएंगे मस्जिद गमामा और उसी साइड पे मस्जिद अली है। ये मेरे ख्याल से मस्जिद अबू बकर सिद्दीक है, मस्जिद अबू बकर है। इंफॉर्मेशन गलत नहीं दूंगा, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म करूंगा। इस टाइम कोई ट्रांसलेटर या कोई जान पहचान वाला बैठा नहीं था कि जो मुझे बता सके। मैंने दो तीन बंदों से पूछा लेकिन उन्हें नहीं पता था। तो ये दोनों मस्जिद जो हैं ये बंद हैं और सिर्फ मस्जिद गमामा चूँकि मेरे ख़्याल से ये एक बहुत ही अहम इम्पोर्टेंस रखती है तो इस वजह से ये खुली हुई है।
बट अच्छा तो भाई हमने अभी खाना लेने जाना था, तो हमने सोचा ज़रा सा टूरिंग भी कर लें, जल्दी जाते हैं इससे पहले कि लोग हमारे पीछे पड़ जाएं। फिर हम कल इंशाल्लाह ताला आएंगे और फिर और जगहें भी देखेंगे और ज़्यारतें करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।